अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सभी को। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। तो गाइज अभी सुबह सुबह हम लोग उठ चुके हैं और सभी लोग काम में लग चुके हैं, ईद की सारी तैयारी हो रही है। तो आप सभी को दिल से ईद मुबारक हो। तो अभी चलते हैं फटाफट, देखते हैं सेवैयाँ बन गई हैं कि नहीं। मतलब सेवैयाँ तो बन चुकी थी, बाकी सबको सजाना रखना बाकी है। तो चलते हैं देखते हैं, सेवैयाँ सब लगा देते हैं और जो जो काम करना है करवा लेते हैं। फिर नहाना धोना होगा और अभी अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और ऐजल को भी तैयार करना है। ऐजल को तैयार करके उसके दादी से भेजना है। तो सबसे पहले चलते हैं किचन में, देखते हैं कुछ करना है कि नहीं, क्या क्या बना है, क्या क्या बनाना है। फिर उसके बाद ऐजल को तैयार करते हैं, मिलते हैं। फ्रेंड्स अभी सेवैयाँ लगानी बाकी हैं। इधर देख सकते हो आप लोग, सारे मतलब प्याले वगैरह निकाल के बाहर रख दिए गए हैं। अभी सेवैयाँ लगाना है। अभी छोले भी नहीं बने हैं, छोला बनाना स्टार्ट कर दिए भाभी। और इधर बन रहे हैं मटन। अभी दो तरह के और मटन बनाने, मतलब मटन चिकन बनाने अभी और हैं। और इधर छोला बॉयल करके रखा हुआ है, बस छोला फटाफट तैयार ही हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत अभी छोला में नहीं करना है, लगभग हो ही चला है। और अभी दूसरे जगह और दो जगह बनाने हैं, गोश्त बन जाता है तो फिर उसके बाद देखते हैं और क्या क्या करना है। सभी का थोड़ा थोड़ा हेल्प करवा देते हैं। छोले भी बन चुके हैं और इधर लगभग सारा काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बनाना है तो भाभी अभी बना रही हैं। चलते हैं, मैजल को तैयार कर देते हैं। ये ईद के दिन झगड़ा कर रही है गाइस, ये अभी नहीं तैयार हुई शादिया, मतलब रूबी। देख सकते हैं 9:30 बजे और इसकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, ये लोग शायद तैयार भी नहीं होंगी। और माहौल ठीक नहीं है, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया इसकी मम्मा का। चले एजल 50 रुपीज़ पर आ गई। तो गाइस नमाज़ हो गया है और मैं भी घर पे आ गया हूँ गाइस। तो अभी चलते हैं इसको लेके घर पे, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तुम तैयार होगी कि नहीं? तुम तैयार नहीं? नहीं, आप आएंगे तब तक तो नहा लेंगे। चलिए गाइस, बाय बाय। हाँ दादा बोलो, दादा चलो सांसा फोन करेंगे दादा दिए। यही मार्केट लगता है, देख सकते हैं। इधर एजल मेरी खा रही है। एजल क्या खा रही हो? ये बच्चों का मेला है। आइसक्रीम खा रही हो? कौन सा वाला आइसक्रीम ये है? इसको स्ट्रॉबेरी वाला चाहिए था लेकिन ये नहीं लिया। नहा लिया? मैंने कहा था ना आप आएंगे तब तक नहा लेंगे। कपड़े नहीं पहने अभी। हाँ कपड़े ये कब लिया था? ये कोलकाता से लाए थे तब तक। अभी क्या यार, तुम लोग गजब हो यार। अभी तक इसको रखते थे, इसको पहने भी नहीं थे। और अभी ये वो जो कपड़ा मैंने दिखाया था ना क्रीम कलर वाला, उसका आस्तीन ही नहीं मिला तो मुझे दूसरे कपड़े का आस्तीन लगवाना था। तो आज दूसरा कपड़ा पहने। गंदी परेशान कर रही, कब से चिल्ला रही। तो निकालिए मेरी तिवारी। तिवारी कितने रुपए? 1100। लो ये क्या है? अरे यार तिवारी तो तिवारी यार। देख सकते हैं गाइस आप, हमको मेरे हस्बैंड ने यही दिया है 10। चौका ही मौज रहता है। दूसरा कपड़ा बदल लिया। हां इसका तो कपड़ा भी चेंज हो गया दूसरा वाला। हां ये क्या लगा दी तुम्हारे नाक पे यार, गजब यार। क्या ये क्या लगा दी? इन लोगों का ही मौजूद है, देख सकते हैं। कपड़े चेंज कर लिए। बहुत अच्छी लग रही है। हाय बोल दो बेटा एक बार। नहीं बोलेगी ये बस डिस्टर्ब करती है। अभी ये दूसरा इसका कपड़ा है, हमको लगता है शाम होते होते 4-5 जोड़े कपड़े बदल लेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं भी तैयार हो जाऊँ। ओके अभी प्रॉब्लम यार लाइट कट जाने की। और गाइज ये तैयार हो रही है, तैयार होकर काफी हॉट लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक लग रही है, तैयार हो जाने दीजिए। अभी तैयार का होगा ये कपड़ा, पता है ये दूसरा कपड़ा पहन लिया। हाँ वो कपड़ा मेरा इधर है, आस्तीन ही नहीं मिला। आस्तीन नहीं मिला इसको, इसीलिए दूसरा कपड़ा पहनना पड़ा इसको। तो अब दिखा देते हैं। हाँ अब दिखा देते हैं इसको। मैं ये पहनने वाली थी। ये पहनने वाली थी लेकिन इसमें हाफ आस्तीन था जो मैं पहनती नहीं हूँ। इसमें भी मैंने अलग से आस्तीन लेके लगवाया है, फुल आस्तीन, लेकिन इसमें भी हाफ था, इसमें भी हाफ था। इस कलर का नहीं मिला, नहीं मिला ना इसका। हाँ जब इसका फुल आस्तीन आ जाएगा तभी मैं इसको पहनूंगी। तैयार हो जाओ फटाक से, अभी लाइट नहीं इसलिए चेहरे साफ नहीं आ रहे। देख रहे एक बल्ब जलता है तो लोगों को लगता होगा कि हम लोग काले टाइप के दिखते हैं। बाहर वीडियो बनाएंगे। हाँ ओके तैयार हो जाओ। फ्रेंड्स अभी दोपहर का टाइम है और बहुत सारी फ्रेंड्स मेरी घूमने भी आई थी और अभी सेवैयाँ वैयाँ सब लोग खा लिए, खाना पीना भी हो गया और आज जाना है मुझे ससुराल भी। तो अभी यहाँ पे तो सब कुछ हो गया और अभी एजल सो भी गई है तो थोड़ी देर में चलते हैं हस्बैंड जी को फ़ोन करते हैं और फिर चलते हैं ससुराल और वहाँ पर भी थोड़ी देर 1-2 घंटे रहेंगे, फिर उसके बाद घर आएँगे शाम को। और पहले चल के वहाँ आप सभी से मिलते हैं ससुराल में। चलो एजल बेबी अपना ही अच्छा है। एक त्योहार दोनों जगह मना लेते हैं, मैं ससुराल। सही है ना, अपना ही बढ़िया है। चलिए अभी टाइम है जाने का गाइस घर पे। हाँ, अपने घर पे वहाँ मिलते हैं आपसे भी से। हाँ? वहाँ चल के मिलते हैं आपसे भी से वहाँ पे। हाँ।
किससे मिलते हैं? इनसे भी, सबसे भी। चलो गाइस चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। चले एजल, चले ना। चलिए चलिए। ओके अभी आएंगे बेटा, अभी आ जाएंगे। ना नहीं, नहीं जाए। अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। मना कर रही। तुम भी चलोगे? चलो अब आज सोना, अब आज नहीं जाने दे रहा ये तो। गोलू इधर आओ। गोलू आ गया खालू के घर। गोलू आ गया ना जिद करके, अभी नहीं मना ही गया। जल्दी आ गई ये फूला, ऐसे तो दोबारा आ गई। हां सुबह की आई थी। गोली खड़ जा। मम्मा चल, मम्मा चल, मम्मा के चली। मम्मा ही का मम्मा ही का मम्मा कहते मम्मा कहते मम्मा हां ऐसा तो सुन ले हो। शादी के दिला तबीयत खराब हो गई ना बहुत ज्यादा, सर में दर्द और घास ही नहीं हो रहा है दर्द, और वीडियो भी ज्यादा शूट नहीं किया सिर्फ दर्द की वजह से, और थकान भी बहुत ज्यादा हो गई थी। पर अभी गाइस घर पे आ चुकी हैं अपने मायके वापस। सिर्फ आना जाना हुआ यार, कुछ काम नहीं हुआ। आना जाना हुआ और वहाँ 3-4 घंटे रहे भी, लेकिन सर में इतना दर्द मेरे 4-5 घंटे से था, इस वजह से मैंने वीडियो भी शूट नहीं किया, वहाँ अच्छे से सबसे मिल भी नहीं पाए। और अभी काफ़ी रात हो चुकी है, 11 बजने वाला गाइस, और अब सोएंगे। कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया मैंने, और मिलेंगे आप सभी से सुबह। और वीडियो बहुत कम आज शूट हुआ ईद का, उसके लिए सो सॉरी, आप सभी को सब कुछ नहीं दिखा पाए अच्छे से। तो गाइस सुबह मिलते हैं अभी, गुड नाइट। गर्मी के दिनों में गन्ने का जूस गाइस देख सकते हैं, प्योर देसी गन्ने का जूस बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और सभी को गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे में सभी का वेलकम है। क्या कह रही हो सर? जूस पीते हैं, ये बहुत परेशान कर रही है, इसका ढक्कन पूछ रही, कैप पूछ रही। उसका ढक्कन दे रहे हैं बेटा, दे रहे हैं। अभी मैं सो के उठाऊंगा गाइस अभी। हां आपका चेहरे से समझ में आ रहा है सो के उठे। कोई दिक्कत नहीं गाइस, जैसा हूं मैं वैसे ही आप लोगों को दिखाता हूं। बाकी अभी शादी के लेने के लिए इसके लिए मैंने 7-8 गिलास लाए हूं। 7-8 गिलास लेके आ गए? मैंने बोला था मैं सिर्फ 2 गिलास पीऊंगी। 2 गिलास आप पी लीजिएगा। okay, और आपकी बेटी पहले ही बोल दी कि पापा मुझे गन्ने का जूस नहीं पीना, मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अजर अभी नहीं पिएगी, वो कोल्ड ड्रिंक बोल दिए। बहुत तेज है। तो मिलते हैं गन्ने का जूस पी के, मेरा ग्लास अभी खाली है। बस 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 बहुत ठंडा है, पी के मिलते हैं गाइस। अजर तुम भी पी लो बेटा, साथ में पी लो। तुम कोल्ड ड्रिंक पियोगी? गाइस मैं आप सभी से कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, आज का गन्ने का जूस इन्होंने बिल्कुल अच्छा लेके नहीं आया है। ना इसमें काला नमक डलवाए हैं, ना इसमें वो क्या बोलते हैं नींबू डलवाए हैं, हमको खट्टा ही नहीं लग रहा। तो इतना हमको जानकारी नहीं है, मैं दे लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। बाकी काला नीमक नींबू सालाना दिमाग का ये सब कोई मायने नहीं रखता। मैं पीऊंगी प्योर गन्ने का जूस है ना, इसलिए मैंने पहले ही लेकिन बोला प्योर गन्ने का जूस है। ओके बाय बाय। अजर पापा हमको नहीं ले जा रहे मार्केट, तुमको लेके जा रहे हैं बस। हम भी चले, हमको कहाँ मान नकाब लगाएंगे तब ना जाएंगे। अच्छा ठीक है, हमको नहीं घुमाएंगे। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ। तो गाइस अभी अजर जा रही है मार्केट, और मार्केट घूमने जा रही है, और मुझे नहीं लेके जा रही है, अपने पापा के साथ जा रही है। बाय बाय। भरवा लीजिए, मत भरवाइए, मेरे पास भी नहीं है। तो गाइस फाइनली ईद बीत गई, और बहुत ही अच्छे से बीत गया। बस थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम हो गई थी, अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो बीपी के पेशेंट है, तो बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो चलिए इंशाल्लाह अभी अम्मी एकदम ठीक ठाक है, आगे भी ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। तो गाइज़ मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर सभी को।